दोस्तों आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का अकाउंट भी SBI बैंक में, मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और अगर आप लोग भी SBI का एप्लीकेशन है ऑफिशियल, SBI के नाम से उसको इस्तेमाल करते हैं, और मान लीजिए भैया आपका मोबाइल फॉर्मेट हो गया है या किसी कारण से आपका जो एप्लीकेशन है वो डिलीट हो गया है, अब आप उसमें लॉग इन कर रहे हैं तो वो लॉग इन नहीं हो रहा है, और किस तरीके से हम लॉग इन कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो को मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, जिसको देखने के बाद आप बड़ी आसानी से SBI की जो एप्लीकेशन है उसमें आप बड़ी आसानी से लॉग इन कर सकते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित, और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्च YouTube चैनल। चलिए सीखते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन लोगों का अकाउंट, जो बैंक अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, मतलब कि SBI में अकाउंट है। जो लोग भी इंटरनेट ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे वाला, ये मान लीजिए भाई आपसे जाने अनजाने में डिलीट हो गया है, ये आपका मोबाइल फॉर्मेट करके आपने फिर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करा हुआ है, और आपका जो ID है वो इसमें लॉगिन नहीं हो रही है, किस तरीके से अपना इसमें अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं फिर से, किस तरीके से आप यूनो एप्लीकेशन में जो SBI का है उसमें अपनी ID को ओपन करके आप उसमें अपना बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हैं, दिक्कत अगर आ रही ID लॉगिन करने में तो कैसे करना है, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको हम देने वाले हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके मोबाइल में जो यूनो SBI का जो एप्लीकेशन है ऑफिशियल SBI बैंक का, अगर आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं है तो आपको आना होगा सबसे पहले प्ले स्टोर में। ध्यान दीजिए, प्ले स्टोर में आने के बाद आप ध्यान दीजिए, प्ले स्टोर कहाँ पर देख लेते हैं मोबाइल में अपना, ये है प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च करना होगा, जब अगर डाउनलोड नहीं है तब बता रहा हूँ, तो आपको सर्च करना होगा SBI मोबाइल बैंकिंग, सर्च कीजिएगा, जब सर्च करेंगे ऊपर ही आएगा एप्लीकेशन पर लिखा आएगा यूनो SBI द मोबाइल बैंकिंग एंड लाइफ स्टाइल लिखा हुआ है, देख सकते हैं है ना, तो आपको इसको पहले डाउनलोड कर लेना होगा, डाउनलोड होने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपका इंस्टॉल हो जाएगा, और इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना होगा। चलिए मेरे मोबाइल में ऑलरेडी पहले डाउनलोड है, और जिन लोगों पर नहीं है उन लोगों के लिए बता दिया कि डाउनलोड कैसे करना है, इस पर सिंपल ध्यान दीजिए, इसको ओपन कीजिएगा, जिसको आप ओपन करेंगे लिखा आएगा यू, थोड़ी पढ़ नहीं पाया हमें, चलिए यहाँ पे हम ऐसा ऑप्शन आएगा, आपको इसको अलाउ ओनली इस पर क्लिक करना होगा, क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, यही दिक्कत वाली बात आती है कि भैया अपन को कहाँ क्लिक करना, कहाँ नहीं करना, और कहाँ अपने यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, तो इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं, इसको देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और बड़ी आसानी से अपने यूनो SBI का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उस पर आप लॉग इन कर पाएंगे, जैसा कि पहले करा हुआ था। ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, नीचे आप देखेंगे आपके लिए तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिस पर लिखा हुआ है न्यू टू SBI, ठीक है, सेकंड लिखा हुआ है एक्सटिंग कस्टमर, और थर्ड लिखा हुआ आई हैव एक्टिवेशन कोड, तो आप दोस्तों वहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करना होगा, जैसे हम क्लिक कर देंगे तो आपके सामने फिर से तीन ऑप्शन यहाँ पर देखने को आते हैं, देख सकते हैं अब तीन लिखे हुए हैं, जिस पर लिखा है लॉगिन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग ID, सेकंड लिखा हुआ है रजिस्टर्ड विथ माई ATM कार्ड, और थर्ड लिखा हुआ है रजिस्टर्ड विथ अकाउंट डिटेल, तो आपको ध्यान दीजिए यहाँ पे इस वाले आपको पहला वाला देखने को मिलता है अकाउंट, ये देख सकते हैं पहला वाला ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना होगा, लॉगिन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग ID पे क्लिक कीजिएगा, जब आप क्लिक करेंगे यह आपके सामने लिखा आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर एक्सटिंग SBI कस्टमर, डू यू हैव SBI इंटरनेट बैंकिंग ID, तो आपको इस पर ऐसे क्लिक करना होगा, जैसे आप क्लिक कर देंगे यह आपके सामने ऐसे ऑप्शन खुल जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन, ऊपर लिखा है लॉगिन, और नीचे देखेंगे लिखा हुआ है इंटर यूर इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड और टेम्परेरी यूजर नेम एंड पासवर्ड टू प्रोसेस, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दोस्तों आपका यूजर नेम है वो डालना होगा, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा, और ये आपका ऑफिशियल है। चलिए जो मेरा यूजर नेम यहाँ पे मैं डाल दूंगा, और जो आपका यूजर नेम है आप डाल दीजिएगा, चलिए मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा ब्लैंक कर देता हूँ, जिससे कि भैया मेरी ID का मिस यूज बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने अपना यूजर नेम डाल दिया है, और पासवर्ड मैंने पासवर्ड डाल दिया है, यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और आपका पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद ध्यान दीजिए नीचे आता है रेफरेंस कोड ऑफिशियल, तो ध्यान दीजिए ऑफिशियल है, इसको भरना जरूरी नहीं है, अब आप नीचे देखेंगे यहाँ लिखा है सबमिट, नीचे देख सकते हैं सबमिट लिखा हुआ है, आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होता है, क्लिक कर देते हैं, जब सबमिट पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सामने प्रोसेसिंग होगी, यहाँ लिखा आएगा कॉन्टेंट टू यूज MPAIN लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिएगा, वो कुछ भी नहीं करना, ध्यान दीजिए नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है नेक्स्ट का, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, जब नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे यह लिखा आएगा सेट ए परमानेंट MPIN ऑफ यूर चॉइस फॉर यूर अकाउंट, तो यहाँ दोस्तों आपने जो अपने पहले पासवर्ड जब आपको लॉग इन करने समय खोल डालते होंगे पासवर्ड, वो आपको पासवर्ड डालना होगा, चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ, और आप यहाँ अपना पासवर्ड डाल सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है और आप अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा, चाहे तो आप सेट भी कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप है ना अपना सिंपल जो आपका है पहले का वो डाल दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है, आप अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा, चाहे तो आप यहाँ से न्यू भी बना सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि जो आपने पहले डाला हुआ था यहाँ पर वही पासवर्ड डाल दीजिएगा। उसको आपको सिंपल ध्यान दीजिए, नीचे देखने को मिलता है नेक्स्ट का, आपको ये पासवर्ड यहाँ पर दोस्तों वही डालना है जब आप इसको एप्लीकेशन को पहले इस्तेमाल करते थे, जो पासवर्ड का इस्तेमाल करते थे वही पासवर्ड यहाँ पर डालिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। और जो यूजर नेम पासवर्ड है वो वह रहता है जो आपको बैंक वाले बना के देते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे प्रोसेसिंग लेगा। अब ध्यान दीजिए लिखा हुआ है एंटर ओटीपी, दोस्तों जो भी आपका बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है ना उस मोबाइल नंबर पे बैंक की साइड से एक ओटीपी गया होगा आपकी उसी सिम पे, तो आपका जिस भी मोबाइल में सिम लगा हुआ है उस मोबाइल में आप मैसेज बॉक्स में जाकर देखिएगा, आपके पास SBI बैंक की साइड से एक ओटीपी आया होगा। अगर आप जो मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं अगर उसी मोबाइल में सिम लगी तो उसी मोबाइल में मैसेज आया होगा, और जहाँ मैं दोस्तों मेरे दूसरे मोबाइल में सिम लगी हुई है इसी दूसरे मोबाइल में पास ओटीपी आया है, जैसा कि अभी आप सुन पाए थे मेरे मैसेज के जरिए। मैं अपना जो मैसेज है जो मैं चेक कर लेता हूँ, और जो मैसेज में ओटीपी आया हुआ है उसको यहाँ पर डाल देता हूँ, चलिए। और यहाँ पर दोस्तों आपको अपना ओटीपी डाल देना होगा जो कि आपको मैसेज के माध्यम से प्राप्त हुआ है, यह मैं अपना डाल दूंगा। दोस्तों मैंने अपना यहाँ पे OTP डाल दिया है, और आप अपना OTP डाल दीजिएगा, और डाल देने के बाद ध्यान दीजिए नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है नेक्स्ट का, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ लिखा आ चुका है कांग्रेस यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, तो आपको इसको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे आपका अकाउंट यहाँ पे खुल चुका है, और यहाँ से अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, यहाँ से किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं, इसको आप पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब SBI बैंक का एप्लीकेशन ऑफिसर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको दोबारा से लॉगिन करने की ध्यान दीजिए, आपका पूरा बंद कर देंगे तो आपको SBI क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपल ध्यान दीजिए, जब आपके सामने ऐसा ऑप्शन होगा बता देता हूँ, के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ लिखा आएगा लॉगिन व्यू बैलेंस और कुछ पे, तो लॉगिन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आपको दोस्तों ध्यान दीजिए दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, IMPIN यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या आप चाहे तो User ID पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपको User ID पे क्लिक करना होगा, और यहाँ आपका जो भी यूजर मतलब नेम है उस पर डालना होगा। चलिए डाल देते हैं, सही जो आपका यूजर नेम वो डालिएगा, मैं आपको डाल देता हूँ। ये अपन सेकेंड टाइम कैसे खोलेंगे वो बता रहा हूँ आपके लिए। दोस्तों मैंने अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया है, आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल दीजिएगा, उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको सिंपल ध्यान दीजिए आपका यूनो एप्लीकेशन का जो बैंक खुल जाएगा, और यहाँ से अपना इसको ऑपरेट कर पाएंगे। इस तरीके से दोस्तों अपना यूनो एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो भी दिक्कत आ रही थी आप वो समझ गए होंगे, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई जरूर देंगे। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख गए होंगे किस तरीके से आपको यूनो SBI में लॉगिन करना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज दोस्तों मैं आप साथियों को निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी भाई और बहन चैनल पर नए प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी कई सारी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आप सब नेक्स्ट वीडियो में, जय माता दी।